हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पकवानों में एक है मावे की गुजिया। तो आइए दोस्तों, आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ गुजिया बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने 250 ग्राम मावा लिया है, इसको एक पैन में डाल देते हैं और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे जो मावे का गीलापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। कलर हमें बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, बस इसको सूखा करना है, सुखा लेना है अच्छे से। इसको लगातार चलाते हुए हम धीमी आंच पे भूनेंगे। देखिए हमारे खोए में कितना गीलापन है, इसे हमें सुखाना है। और हमारी यहाँ पे टिप्स, अगर हमारा खोया गीला रहेगा तो हमारी जब गुजिया हम स्टफिंग करेंगे उसमें तो फटने का डर रहेगा। इसलिए खोया भूनते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें खोया पूरे से और बहुत अच्छे से भूनना है। इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसका गीलापन खत्म करना है हमें। देखिए हमारा खोया भुन गया है और इसने पैन भी छोड़ दिया है। और इसी स्टेज पे हम गैस को बंद करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा खोया ठंडा हो रहा है, तब तक हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेते हैं। हमने 250 ग्राम मैदा ली है, इसमें हम एक चम्मच निकाल के एक अलग बाउल में रख देते हैं। बाकी मैदा हम एक बड़े बाउल में डालते हैं। इसको हमने पहले से ही छान लिया था। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच देशी घी डालेंगे मोइन के लिए, जो हमारा 60 ml है। और इसको अच्छे से हाथ से मिलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मोइन रहता है। अगर आपको ज़्यादा मोइन का पसंद है तो इसमें आप एक छोटा चम्मच घी और डाल सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम एक मुट्ठी बांध के देखेंगे और इसको दबा के तोड़ेंगे। अगर ये दबाने पे टूटती है तो हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मुट्ठी अपने आप टूट जाती है तो इसके मतलब इसमें मोइन कम है, तो हम एक छोटा चम्मच इसमें मोइन और डाल सकते हैं। अब इसमें हम गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे, जैसा हम पराठे का बनाते हैं। रोटी का तो थोड़ा सॉफ्ट डो तैयार होता है, पराठे का थोड़ा सा टाइट रहता है, तो हमें उतना ही डो इसका तैयार करना, उतना ही टाइट। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है, हमें इतना ही सॉफ्ट रखना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने जो मावा भून के रखा था वो भी ठंडा हो गया पूरे से। इसको एक बॉल में हम निकाल लेते हैं। मावा हमें पूरे से ठंडा कर लेना है, जरा सा भी गुनगुना नहीं रखना है कि गुनगुना है आपने इसमें कुछ भी मिक्स कर दिया, ये पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए। अब इसको हाथ से हम अच्छे से बुरबुरा कर लेंगे। अब इसमें हम 100 ग्राम बूरा है वो डालेंगे। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी को लीजिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बूरा हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। देखिए हमने सारा बूरा 100 ग्राम डाल दिया है। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन इसमें और मत बढ़ाइएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच जो मिश्री के दाने आते हैं वो हम डालेंगे। ये हमारी टिप है, इससे हमारी जो गुजिया की स्टफिंग है अंदर से बहुत रसीली बनेगी पकने के बाद, फ्राई होने के बाद। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। 25-30 किशमिश के दाने हैं, 8-10 बादाम है थोड़े मोटे मोटे कटे हुए, काजू है 10-12 मोटे मोटे कटे हुए, चिरौंजी एक बड़ा चम्मच, और पिस्ता 10-12 पिस्ता है, उसको भी मोटा मोटा काट लिया है।
ये सब हम अच्छे से डाल देंगे। मेवा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुजिया में तो जितनी ज़्यादा मेवा होती है भुजिया उतनी ही अच्छी लगती है। दोस्तों हमारे गुजिया की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने डो रेस्ट करने के लिए रखा था वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ते हुए पेड़ा बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे पेड़े बना के रख लेंगे। अब हमने जो मैदा निकाल के रखी थी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसकी एक स्लरी बना के रख लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। हमें इतनी ही पतली स्लरी तैयार करनी है। ये हमारी गुजिया को चिपकाने में हमारी हेल्प करेगी। अब हमने जो पेड़े बना के रखे थे उसको हम बेल लेते हैं गुजिया के लिए। इसको हम बिल्कुल बराबर से छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसे बनाई जाती है वैसे ही बेलना है, उतनी ही पतली बेलनी है। ना बहुत मोटी रखेंगे ना बहुत पतली रखेंगे, बराबर से बेलेंगे चारों तरफ से। ऐसे ही हम सारा बेल लेंगे, हमें इतना ही मोटा रखना है। अब इसको हम भरते हैं, स्टफिंग करते हैं गुजिया की। जो हमने स्लरी बना के रखी थी इसको हम चारों तरफ एजेस पे लगा देंगे और इसको एक साइड से थोड़ा सा हम दबा देंगे अच्छे से। ऐसे कोन की तरह हमने बना लिया। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो हम इसमें फिल करेंगे। और इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसके एजेस आपस में मिला के दबा देंगे। बहुत अच्छे से हम दबाएंगे जिससे हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। अब हमारी गुजिया फिल हो गई है। अब इसके किनारों को हम थोड़ा सा मोड़ेंगे और कट कर देंगे। मोड़ेंगे कट करेंगे ऐसे छोटे छोटे माउंटेन बना लेंगे। और अगर आपको डिज़ाइन और अच्छे से डिटेल में जाननी है तो ये डिज़ाइन हम पहले अपने मूंग की दाल के समोसे में भी बता चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिलेगा। और ये बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसे ही हम सारी गुजिया फिल करके रख लेंगे। हमने घी चढ़ाया है गुजिया को फ्राई करने के लिए। अब इसको हम चेक कर लेंगे। हमें फ्लेम मीडियम टू लो पे रखना है और उस पर ही हम फ्राई करेंगे। अभी मेरी एक और टिप है कि जब भी आप गुजिया को फ्राई करने के डालिए तो इसमें एक निडल से छोटा सा छेद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फ्राई करते समय हमारी गुजिया फूटेगी नहीं और बहुत सुंदर हमारी गुजिया बनके तैयार होगी। और ऐसे ही हम गुजिया में छेद कर करके डालेंगे। और गुजिया हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्राई करने के लिए। अब इसको हमें बिल्कुल सेम फ्लेम पे फ्राई करना है, अभी छूना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारी गुजिया को हम धीरे से पलटेंगे। अगर उधर से हमारी सिक गई है तो उधर से हमारी गुजिया सिक गई है, कितना सुंदर कलर आया है। अब इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी इसको बिल्कुल सेम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन में। इसको हम बार बार नहीं पलटेंगे, बस एक ही बार पलटेंगे और सेक लेंगे। देखिए हमारी गुजिया बिल्कुल रेडी। इसको हम जाली पे निकाल लेते हैं, कितना सुंदर कलर आया है। दोस्तों अगर कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी गुजिया कभी भी
फटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। जैसे मावे को हमें खूब अच्छे से भून लेना होगा, उसमें गीलापन बिल्कुल भी ना रहे। और चीनी का विशेष ध्यान रखेंगे कि चीनी अगर ज़्यादा हो जाएगी तब भी हमारी गुजिया फट जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बराबर चीनी सही रेशियो में हम रखेंगे तो हमारी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। दोस्तों, हमारी मावे की गुजिया बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। गर्मा गर्म इसको खाइए, एंजॉय करिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों, सबको खिलाइए। दोस्तों, ये गुजिया 10 से 12 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी गुजिया बहुत भी अच्छी बनेगी। और जितनी भी हमने टिप्स और ट्रिक आपको बताई हैं उन सबको आप फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप हमको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।